हेलो बच्चों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती का लगातार आप सभी इंतजार कर रहे हैं। लगभग 4 साल से यानी 2018 से अब तक कोई भी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। 68,500 और 69,000 भर्ती जो हुई थी उसमें भी आरक्षण में कुछ घोटाला पाया गया। जो 6,800 कुछ कैंडिडेट हैं जिनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है वो भी कोर्ट केस चला हुआ है। उसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। लगभग उत्तर प्रदेश में 90,000 प्लस पद खाली है और शिक्षा मंत्री ने संसद में एक रेशो पेश किया था जिसमें बताया था शिक्षक और छात्र का अनुपात। जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो बताया था कि बिल्कुल सही है और शिक्षक की कोई भी कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी 90,000 पद खाली है और वैकेंसी कब आएगी और कितने जिले में कितने पद जो है वो खाली है यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हैं या पुराने हैं आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट और क्लासेस के लिए। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। ये मैं आपके सामने शिक्षक कितने खाली है यानी कितनी सीट खाली है किस जिले में ये आपको दिखा रहा हूँ। मोटा मोटा लगभग इससे ज़्यादा ही जो वैकेंसी है वो वहाँ पर खाली है और सभी जिले यहाँ पर मैंने नहीं लिए हैं, कुछ चुनिंदा ही जिले यहाँ पर लिए हैं। जैसे प्रयागराज में 8,000 प्लस वैकेंसी है, कानपुर में 7,000, लखनऊ में 5,500 प्लस, सीतापुर में 9,000 प्लस, कन्नौज में 4,000 सीट जो है वो खाली है शिक्षक की प्राइमरी में, फरुखाबाद में 4,700 प्लस, बस्ती में 4,300 प्लस, बरेली में 4,800 प्लस, औरैया में 3,900 प्लस, इटावा में 3,900 प्लस, हरदोई में 5,700 प्लस, वाराणसी में 7,300 प्लस, अयोध्या में 4,400 प्लस। इतनी सीटें अभी खाली हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि एक्यूरेट ये डाटा नहीं है। सुल्तानपुर में 3,000 प्लस और रायबरेली में 3,100 प्लस, प्रतापगढ़ में 4,800 प्लस, भदोही में 3,300 प्लस और चंदौली में 250 के आसपास वैकेंसी जो है वो खाली है। टोटल मिला के 90,000 कुछ वैकेंसी यहाँ पर खाली है और इससे ज़्यादा ही है क्योंकि सभी जिले यहाँ पर नहीं लिए गए और इतनी सीट खाली है। बच्चों ने लगातार अभियान भी चलाया। जैसे आज 28 जून है और बच्चे ब्लैक डे मना रहे हैं यानी काला दिवस, क्योंकि लगभग 1 करोड़ जो छात्र हैं डीएलएड जेबीटी बीटीसी वाले और शिक्षकों के पक्ष में राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने फैसला दिया। फिर भी भारत सरकार और एनसीटीई इस फैसले को स्वीकार नहीं करके इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर शिक्षकों का हक छीनने का प्रयास कर रही है रोजगार विरोधी भाजपा, यानी ब्लैक डे फॉर पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द होनी चाहिए क्योंकि यूपी टेट और सी टेट पास कर चुके बेरोजगार छात्र लगभग होते जा रहे हैं और डीएलएड में 2022 में भी एडमिशन जो है स्टार्ट कर दिए हैं प्रदेश सरकार ने। सो गाइज, आज हम बात करेंगे सुपर टेट 2022 के लिए सबसे अपडेटेड और बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो वो आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगी चक्षु पब्लिकेशन की। वो किस लिए, तो इसके पीछे रीजन देखते हैं किस वजह से इसको बेस्ट बताया गया है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तो है गाइड। इसकी अलग अलग बुक्स भी आती है, अलग अलग सब्जेक्ट की। गाइड लेना चाहें तो गाइड भी ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, दैनिक विज्ञान, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपकी क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ आपको पिछले 4 महीने की इसमें करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएगी। बहुत अपडेटेड बुक है, लेटेस्ट है और साथ ही साथ पिछले 2 वर्षों के यहाँ पर प्रश्न पत्रों को भी हल किया गया है। तो फुल पैकेज है आपके लिए। इसमें कुल 5,000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं, आपके अध्यायवार क्वेश्चंस भी और थ्योरी, उसके बाद फिर क्वेश्चंस। साथ ही एक और यहाँ पर बेहतरीन बात यह है कि
कि आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन अपना यहीं पे रख के पढ़ना है। आपके सामने विश्लेषण चार्ट होगा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए पहले पढ़ना हो, और इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं। साथ ही आपके किसी भी आसपास के जो आपका बुक स्टोर होगा वहां भी आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो मैटर की अगर बात करूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, ये प्रीवियस ईयर पेपर से के लिए भी आपको कोई अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, इसी में दिए गए हैं और पूरा एक्सप्लेन करके सभी इनके उत्तरों को बहुत आसानी से आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहे तो प्रैक्टिस सेट भी इसके अवेलेबल होते हैं। जैसे ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद सबसे जरूरी स्टेप आपको जो लेना है वो है प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट जितने सॉल्व आप कर लेंगे दोस्तों उतनी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। वैकेंसी नहीं आ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, और लगभग 4 साल में कोई वैकेंसी नहीं आई है, और 2021 और 2022 ये दो बैच ऐसे हैं जो बिना भर्ती आए जिनकी एडमिशन हुए हैं डीएलएड में, बीएड में भी एडमिशन हुए हैं। अब ये छात्र जो है कंपटीशन में बैठेंगे। लगभग जितनी वैकेंसी खाली थी ये मैंने आपको दिखा दी। छात्र और शिक्षक का अनुपात जो है वो भी गलत बताया गया, उसका भी आंकड़ा जो है दोबारा से इकट्ठा किया जा रहा है। कुछ डाइटों ने भेज दिया है, कुछ डाइट अभी भी लेट कर रही है, तो जैसे ही सभी डाइटों का डाटा आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसी रियल में खाली है, उनको जल्द से जल्द भरने की कार्रवाई की जाए। बच्चों अगर आपका कोई कमेंट है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कर लीजिए कमेंट, जल्दी उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, थैंक यू।